हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आईआईटी जेम एमएससी मैथमेटिक्स का 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू टू की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर वन एन इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं हम, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे अगर हम थ्री की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लें तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बच जाएगा, टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन, नीचे से थ्री की पावर एन कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पे बच जाएगा टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन, ये हो गए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थ्री की पावर एन से इसकी पावर एन प्लस वन जो है वो कट जाएंगे, सिर्फ थ्री बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी थ्री, और यहाँ पे टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन। अब लिमिट अगर अप्लाई कर दें तो फ्रेंड्स टू अपॉन थ्री जो है वो एक से छोटा नंबर है, टू अपॉन थ्री जो है वो एक से छोटा नंबर है। तो एक से छोटा नंबर है तो अगर सपोज कि 0.5 है ये, तो 0.5 के अगर हम टू स्क्वायर करें तो 0.25, क्यूब करेंगे तो 0.0, अगर क्यूब करेंगे तो 0.0625। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके नंबर्स जो हैं वो और छोटे होते जाएंगे, सॉरी क्यूब करेंगे तो 0.125, तो ये और छोटा हो गया, और फोर्थ करेंगे 0.0625, तो ये इस तरह से नंबर और छोटा होता जाता है। तो यहाँ से हमने हमें पता है कि अगर एक से नंबर कोई छोटा हो, एक से नंबर छोटा है और उसकी पावर एन है, ये लेस देन वन है, तो उस कंडीशन में एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो जाता है। तो ये टर्म जो है हमारे पास लिमिट अप्लाई करने पे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट अप्लाई करने पे ये थ्री बाकी 0 प्लस 1 अपॉन वन, तो इसकी लिमिट का आंसर आ गया थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स थ्री, इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, लेट एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन है हमारे पास, देन ऑप्शन है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास, इसमें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो फंक्शन है उसका नेचर चेक करते हैं। नेचर इसका हमारे पास टू पे चेंज होगा, एंड टू पे चेंज होगा और एक नंबर जो है वो होगा -5 पे चेंज होगा, -5 टू पे इन दो पे चेंज होगा। अगर सपोज कि नंबर जो है -5 से छोटा है, -6 है, अब -6 है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो होगी हमारे पास नेगेटिव रहेगी, और ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो नेगेटिव। और जब हम -2 एंड 5 के बीच में है तो यहाँ पे अगर देखें सपोज -4 है, तो -4 की कंडीशन में ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहेगी। और यहाँ पे अगर देखें तो हम टू पे अगर देख फाइव पे टू से बड़े पे देखें थ्री, तो थ्री पे देखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है कि एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 4x < 2 एंड एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 4x > 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, जो टू पर जो जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, एफ हैज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट इक्वल टू टू, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, क्योंकि टू पर ना तो हमारे पास इसका कोई मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि टू पे ये चेंज हो रहा है बट ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये बढ़ रहा है यहाँ से, जीरो से इस तरह से बढ़ रहा होगा। टू पे टू सपोज यहाँ है, सपोज टू यहाँ पर था तो इस तरह से चेंज हो रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टू पर ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट एफ एक्स वाई बराबर, हमारे पास एक्स पावर 5/2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स देन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें याद रखना है कि इस कंडीशन में हमें मोस्टली
आयलर्स थ्योरम यूज होती है। आयलर थ्योरम यूज होती है, तो इसके लिए हमारे पास पहले हमें इस कंडीशन में फंक्शन जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कुछ एक्स की पावर सेव कुछ पावर सपोज एन फाई वाई अपॉन एक्स, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, तो होमोजीनियस फंक्शन हो पावर एन, उस कंडीशन में ये जो होता है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर फाइव वाई की पावर सेवन, पावर जो है टोटल सेवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ वाई अपॉन एक्स सॉरी एफ इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर सेवन, और फिर से सॉरी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स भी है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स भी है। तो इसमें हमारे पास ये एक्स पावर सेवन हो गया, ये हो गया हमारे पास वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है एक्स पावर सेवन कुछ नंबर फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से ये होमोजीनियस फंक्शन है एक। अब हमारे पास यहाँ से अगर इसको हम ले लें, इसको हमने अगर कोई फंक्शन दे दिया एफ, एफ की जगह सॉरी एफ ना देके हम दे देते हैं इसको जी, फिर इसको कोई फंक्शन देने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये फंक्शन जो है इस फॉर्म में है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी इस फॉर्म में हो, तो एन एफ यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये एन की जगह सेवन पुट करना है, तो सेवन एफ, सेवन एफ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स देन द इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ जी आर डिवाइडेड बाई जी जीरो एंड जी फाइव, देन ये हमें निकालना है कि जी जीरो इक्वल टू फाइव होगा या जी बार बराबर जी होगा, जी जीरो इक्वल टू फाइव होगा या जी जीरो इक्वल टू, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास बेसिकली, और जो कि यहाँ पे क्लियर शो नहीं हो रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जब हमारे पास बात की हुई कि जी जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, और द इंटीरियर एंड द क्लोजर ऑफ जी आर डिनोटेड बाई जी जीरो एंड जी बार। अब तो जी जीरो इंटीरियर की बात कर सकते हैं, क्योंकि जी इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर कोई एक ऐसा पॉइंट होता है एक्स बिलोंग्स टू जी इस कंडीशन में कि नेबरहुड ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स जो होता है वो सबसेट ऑफ जी होना चाहिए। बट अगर सपोज कि एक्स जो है कोई एक रेशनल नंबर है और उसका हम नेबरहुड ले लें, नेबरहुड ऑफ एक्स, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी दो नंबर होंगे, दो नंबरों के बीच में हम जानते हैं इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये सबसेट ऑफ नोट सबसेट ऑफ जी होगा। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। अब हम इसे क्लोजर की बात करते हैं, जी के क्लोजर की बात करते हैं, तो जी के क्लोजर है जो भी लिमिट पॉइंट होंगे। अब लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो लिमिट पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, एक्स को लिमिट पॉइंट होगा अगर नेबरहुड ऑफ एक्स, जो अगर नेबरहुड ऑफ एक्स की बात करें तो कुछ पार्ट उसका जी से हो और कुछ पार्ट उसका जी कॉम्प्लीमेंट से हो, तो यानी रेशनल कुछ पार्ट इरेशनल से हो और कुछ पार्ट रेशनल से हो, तो ये डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू अगर जी है हमारे पास तो नेबरहुड ऑफ यानी एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसमें बहुत सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों होंगे, तो ये हमारे पास हर पॉइंट जो होगा, हर पॉइंट यानी रियल एक्स बिलोंग्स टू आर पे हम बात करें तब भी, तो हर पॉइंट जो होगा वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम ये फाइव से डिनोट कर सकते हैं या जी बार इक्वल टू आर, या रियल नंबर्स रियल लाइन जो है वो हमारे पास इसका क्लोजर है, तो और रियल लाइन जो होगी वो तो इसका क्लोजर होगी, और जी जीरो का जो जी जो इंटीरियर पॉइंट जो होगा वो इन फाइव होगा। तो इसके जो आंसर है हमारे पास ये आ गया, ये तो फाइव और सेकंड जी जीरो बराबर, यहाँ पे अगर कहीं यही कहीं पर भी आ रहा है तो यहाँ पर सपोज आ रहा है तो ये आर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ठीक से दिख नहीं रहे हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा डाउट का क्वेश्चन है, बट ये क्लियर है कि जी का इंटीरियर पॉइंट जो होंगे वो फाइव होगा इंटीरियर, और इसका क्लोजर जो होंगे वो रियल पार्ट होंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू फ्रेंड्स।